दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा रूस। आज मॉस्को में पावर शो होने वाला है पुतिन का। विजय दिवस पर शक्तिशाली हथियार दिखाए। विजय दिवस पर रेड स्क्वायर पर सेना की परेड। विदेशी टैंक परमाणु मिसाइल से शक्ति प्रदर्शन। विजय दिवस पर बड़े ऐलान भी कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। इधर विजय दिवस पर व्लादिवोस्तोक में परेड हुई है। परेड में बैस्टियन मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। मिसाइल सिस्टम के साथ सेना की परेड। समारोह में 1600 लोग शामिल हुए हैं। तो आज रूस विजय दिवस मना रहा है 9 मई की तारीख, और नाजियों के खिलाफ जो जीत हासिल की गई थी, हर साल 9 मई को विजय दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। और तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस परेड की तैयारियां की गई। और इस बीच आपको बता दें, रूस के कामचत्स्की में भी विजय दिवस समारोह मनाया जा रहा है। रूसी सेना के सैकड़ों जवान परेड में शामिल हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना ने यहां इस परेड में अपनी ताकत दिखाई है। तस्वीरें आपके सामने। और विजय दिवस पर कई शहरों में पुतिन का पावर शो देखने को मिल रहा है। खाबरोवस्क में रूस ने अपनी ताकत दिखाई है। रूसी सेना के जवान परेड में शामिल हुए हैं। तो आज जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, एक और रूसी शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खाबरोवस्क की तस्वीर है जहां पर रूस की तरफ से अपनी ताकत दिखाई गई है। विजय दिवस के दिन अलग अलग जगह परेड का आयोजन किया गया है। और इधर विजय दिवस पर पुतिन की बड़ी तैयारी को लेकर खबर आपके सामने। विनाशकारी हथियार परेड में शामिल। हाल ही में बने सामरिक वाहन भी दिखाई देंगे इस परेड में। खतरनाक इलाकों में जंग के लिए वाहन तैयार। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, सामरिक वाहन की रूस ने झलक भी दिखाई है। ये वाहन आपको आज होने वाली परेड में नजर आएंगे, जो दुनिया भर को रूस की ताकत दिखाई। तो विजय दिवस पर पुतिन का बारूदी प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, याद देखिए मॉस्को की बात की जाए, रेड स्क्वायर में परेड में 10,000 से ज्यादा जो जवान हैं वो शामिल हो रहे हैं। शहरों में कितने परेड हो रही है, कुल कितने शहरों में परेड हो रही है, 28 शहरों में परेड का रूस में आयोजन किया गया। 460 की संख्या में एयरक्राफ्ट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जानकारी आपके सामने रख दें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल करीब 300 होंगी जो इस परेड में आपको नजर आएंगी। परमाणु मिसाइल यार्स आपको नजर आएगा। टैंक बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो इनकी संख्या करीब 4,000 बताई जा रही है जो इस परेड में शिरकत करेंगे। हेलीकॉप्टर्स, 116 हेलीकॉप्टर्स आपको इस परेड में नजर आएंगे। और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन, रक्षा विशेषज्ञ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोफेसर ए के पाशा, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए। हमारे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है संजय मेस्टन सर, क्योंकि आज दुनिया भर को पावर शो नजर आएगा मॉस्को का, पुतिन का, जब वो पांचवी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं रूस के। प्रतिमा, जो आपने अभी बताया है कि पांचवी बार इनका जो अभी शो है, और खासकर अभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट घोषित होने के बाद ये पहला है जो इनका सिक्स टर्म अभी शुरू है। देखिए, ये शक्ति जो प्रदर्शन है और विक्ट्री डे के जो आपने बताया 28 शहरों में है, साफ जाहिर है कि ये मैसेजिंग पूरा वेस्ट को है, नाटो को है। और जो इन्होंने मिसाइल डिस्प्ले और जितने भी इनके पास हथियार एयरक्राफ्ट है, ये पूरा शक्ति प्रदर्शन होगा। पूरे विश्व में दिखाया जाएगा कि रूस की क्या काबिलियत है, मिलिट्री का काबिलियत, इकोनॉमिक काबिलियत, ये सब दिखाया जाएगा। और इसमें साथ ही फोर्सेस का हाई मोराल दिखाया जाएगा, आर्म फोर्सेस का। आपने अभी देखा जो कुछ दृश्य दिखाए, वो जो उनके सोल्जर्स चल रहे हैं वो गाते हुए चल रहे हैं, तो ये साफ जाहिर है कि ये मोराल और शक्ति प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट फैसेट है इस लड़ाई के लिए है। और यूक्रेन उस तरफ अगर आप देखा जाए तो आज उनके पास सैनिक नहीं मिल रहे हैं भर्ती होने के लिए, और अभी तो वो ये बात हो रही है कि डिसेबल्ड सैनिक की भी वो बात कर रहे हैं। तो ये जो रूस, जो अभी अमेरिका ने $60 बिलियन की एड दी है, अमेरिका के लिए भी ये मैसेजिंग है कि हमारे पास इतनी शक्ति प्रदर्शन है, इनके पास जो KH-101 मिसाइल सिस्टम और ये सब कुछ है, तो स्टेल्थ मिसाइल्स हैं, ये साफ जाहिर है कि ये मैसेजिंग है पूरी वर्ल्ड को, खासकर नाटो और वेस्ट को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है। आज जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन व्लादिमीर पुतिन की तरफ से पूरी दुनिया के सामने किया जा